हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षय हियर। और आज हमारे पास है MI का 4X, MI रेडमी 4X, जिसमें MI अकाउंट है और इसमें अनलॉक करना है वो भी सिंपल और सिंगल ट्रिक से, जिससे एक क्लिक से ही हमारा ये अनलॉक हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे अनलॉक करते हैं। उससे पहले हमें ये डिसेंबल करना पड़ेगा, पूरा फ़ोन खोलना पड़ेगा। ये पूरे फ़ोन को हम लोग खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे EDL मोड में ले जाना है, इसलिए। सो अब हमें इससे पहले सिम ट्रे का एक सेट करना है और काफ़ी ध्यान से इसका जो बैक कवर खोलना है ताकि कोई लॉक टूटे ना। और हमें और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे ही हम खोल रहे हैं, खोलने में इसमें पीछे है फिंगरप्रिंट की जो स्ट्रिप रहती है उसे बचाना है। जैसे ही हम खोलते हैं उसे हमें वो भी ध्यान रखना है, वो भी ताकि टूटे ना। तो जैसे ही ढक्कन आप खोलेंगे तो फिंगरप्रिंट की जो स्ट्रिप है उसको धीरे से निकाल लें, देखिए इस तरह से। ये निकालने के बाद अब जो भी है सब उसमें बैक कवर पर रख लीजिए और सब स्क्रूज को निकाल लीजिए। इसकी पिनआउट्स के जो पिक है मैं उसमें भी पोस्ट कर दूंगा, आप वो भी देख लीजिए कि कौन सी पिन को हम शॉर्ट करेंगे, मतलब कौन सी टच पॉइंट को हम शॉर्ट करेंगे जो ये EDL मोड में चले जाएगा। EDL मोड से हम लोग क्या फटाफट इसको अनलॉक कर सकते हैं, वो भी सिंगल क्लिक से। जो BST 2 Pro अभी आया है उसमें हम ट्राई करेंगे कि एक ही क्लिक में कम्प्लीट होता है कि नहीं होता। देखिए पूरी तरह ओपन हो गया है और ये है टच पॉइंट, आप देख सकते हैं। ये दोनों टच पॉइंट को शॉर्ट करना है जब आप कनेक्ट करें, तो आपको दिखा दूँ कैसा। देखिए अब मैंने पूरे फ़ोन को खुला पड़ा है और ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप देख सकते हैं। तब तक ये BST 2 में स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बैटरी रिमूव करेंगे, ये देखिए बैटरी रिमूव हो चुकी है। अब हम इसके USB वायर कनेक्ट करेंगे, वो कोई भी एक ट्विज़र शॉर्ट करके, जो पिनआउट्स को दोनों शॉर्ट करने के बाद हमें सिर्फ क्या है अपने USB वायर कनेक्ट करना है। जी देखिए ये भी कनेक्ट हो चुका है और अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे कंट्रोल पैनल में हम देखेंगे। देखिए कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है और ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। ये कॉलकॉम मोड में आ चुका है, जिससे हम एक क्लिक में ही आपका ये अकाउंट निकाल सकते हैं। शाओमी में जाना है, शाओमी में जाने के बाद हम वहाँ पे ट्रैक कॉलम में, डिवाइस कॉलम में सर्च करेंगे MI। MAI 132। देखिए रिफ्लेक्ट हो गया है, अभी एक सिर्फ ये जो बटन है इसको क्लिक करना है। देखिए क्लिक हो गया है और उसमें दिखा रहे हैं अनलॉक करने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए अभी ये ढूंढ रहा है वेटिंग फॉर डिवाइस मोड और ये कनेक्शन इसने कर लिया है। देखिए COM 17 आ चुके हैं।
अब ये राइट करेगा, देखिए डेटा राइट हो चुका है और ये हो गया अनलॉक डन। अब आपके सामने बूट कर लेता हूँ। बूट करने के टाइम में देखिए थोड़ा स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो हम लोग अकाउंट रिसेट करते हैं तो एक तरह से फैक्ट्री रिसेट जैसे ही हो जाता है, और उसे बूट होने को उतना ही टाइम लगेगा जितना हम लोग फैक्ट्री रिसेट करते हैं। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, इसको स्किप करना है और ये नेक्स्ट किया। देखिए अभी टोटली कंप्लीट हो चुका है, अब लोड हो रहा है पूरी तरह। देखिए फाइनली अनलॉक हो चुका है और आपका जो पहला अकाउंट बता रहा था वो निकल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, thanks for likes, do comments and don't forget to subscribe. Bye bye, take care.